करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्लास जो अपनी हुई थी उसमें अपन ने फर्स्ट ए की क्लास देख ली थी, आज अपन देखेंगे फर्स्ट बी, नोविंग अवर नंबर्स। उसमें अपन ने क्या देखा था, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ये अपन ने देख लिया था एक्सरसाइज 1A में। अब अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1B, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना अपने। जैसे देखो, मान लो मैंने नंबर लिखा 29705 3420, आपको लिखा 30156 और आपको लिखा 27095। इसमें से अपने को क्या देखना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और ग्रेटेस्ट, पहले इनको मैं देखो आपको बताऊँ, इन वर्ड्स में यूनिट 10 100 1000 10000, ये हुआ 29705, ये कितना हुआ 3420, ये कितना हुआ यूनिट 10 100 10000, ये हो गया 30156, और ये हो गया यूनिट 10 100 1000 और 10000, ये हो गया 27000 30000 और 29000। तो इसमें से अगर अपन देखें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा 3420, क्या गया 3420। और अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 29705 30156 और 27000, ग्रेटेस्ट कितना हो गया 30156। तो अपन इसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इजी वे से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 10000 पे है तो अपने के लिए दो डिजिट देख लो आप लास्ट की, और इनमें से ये चेक कर लो इनमें से 29 30 और 27, इसमें तो ऑफिशियली पता लग रहा है कि 30 more than 29 और 27, और स्मॉलेस्ट ये 3420 हो गया, और ग्रेटेस्ट कितना हो गया 30000, कितना आ गया 156, क्या हो गया इसमें ग्रेटेस्ट हो गया। एक और देख लो इसी का, लास्ट क्वेश्चन और देख लें इसी का अपन। जैसे देखो 10889 10988 19088 और 18099, यही है ना। अब इसमें अपने स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें, 5 डिजिट, ये 10889 10988 19088 और 18099। अब आप लिखोगे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना हो गया, ये 99 18, तो इन दोनों में से है, ये 10988 है और ये 10889 है, तो इसमें लिस्ट क्या होगा 10889। बात करें ग्रेटेस्ट की, कितना जाएगा, ये 19000 है, ये 18000, तो आएगा 19088। तो इजी वे से अपन क्या कर लेंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को इजी वे से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना अपने को, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसमें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एक होता है, दूसरा अपन पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्या पढ़ोगे आप,
इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें क्या करेंगे अपने, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले अपने को सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, देन उससे लार्जर, उससे लार्जर, और लास्ट में क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉलेस्ट, देन उससे लार्जर, लार्जर, और लास्ट में लार्जेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखेंगे। जैसे देखो एक को समझ लो, आप दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, दोनों में से एक एक क्वेश्चन ले लो। जैसे मैं इसमें मैंने लिया 7 2 1 5 6, 5 6 7 2 1, 6 5 1 2 7, और मैं लिख दूँ 1 2 5 7 6, 1 2 5 7 6, ये डिजिट है। और इसको अपने को क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मैं दोनों ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसको, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डिजिट चलना अपने को। अब देखो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है कौन सी, पहले इसको अपना एक निश्चित ऑर्डर में 72,156, 56,721, 65,127 और 12,576। सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, अभी अपने पहले क्वेश्चन में देखा था, स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, 12,576। नेक्स्ट 12 के बाद में कौन सा आ गया, 56,721, देन 65,127 और लास्ट क्या हो गया, 72,156। ये हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर। इसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो क्या लिखूंगा, उल्टा कर दो इसका, लार्जेस्ट कौन सी है, 72,156, देन 65,127, देन 56,721 और लास्ट वन 12,576। ये क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सेकंड क्या लिखना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है, आगे बात समझ में। देखो नेक्स्ट थर्ड वन में क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यही ऑर्डर मैंने बताया अभी आपको। जैसे इसमें अपन ले लें, इसका भी एक क्वेश्चन ले लें, 6 3 8 7 2 6 0 4, फिर आपको 5 7 6 9 4 3, फिर आपके पास है 4 9 6 5 3 2 8, फिर आपके है 52 3 1 4 5 और लास्ट वन है 63 89 0 5 0 3। प्रत्येक में 2 2 4 2 6 2 8 आपको अलग अलग डिजिट दी हुई है, यही दी हुई है ना। यूनिट प्लेस 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख और करोड़, 6 crore 38 lakh 72,604। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और लेख 5 lakh 76,943। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लेख 10 लेख 49,65,328। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakh or 10 lakh 50,23,145, 63,89,000, कितना हो गया,
यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh और करोड़, 6 crore, 38 lakh, 90,503। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसके आगे 576943। फिर आपको क्या लिखना है इसमें, इन दोनों में देखो आप 49,65,000 और ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakh, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh, ये 50 lakh हो गया और ये 49 lakh हुआ। तो आप लिखोगे 49,65,328। फिर क्या हो गया, 50,23,145। ये 6 crore 38 lakh है, ये 6 crore 38 lakh ये है, ये 72,000 है और ये 90,000 है। तो इसको पहले लिख लो 6 crore 38 lakh 72,604 और आफ्टर देन क्या जाएगा 6,38,095,003। ये क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे उसका, वो लिख दो 6 crore 38 lakh 90,503, 6 crore 38 lakh 72,604। क्या लिख देंगे, 50,23,145, 49,65,328 और लास्ट वन 5,76,000 जितना भी है 943। ये क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया और ये किस में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम ईच पेयर। इस पेयर में से आपको ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। ये तो आपने पढ़ लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अब आप पढ़ोगे, पहले में देख लिया हालांकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, पेयर में से आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है 2675 और 2648। ऑफिशियली ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट तो कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट से पहले स्मॉलेस्ट तो कौन सा हो गया, ये हो गया 2648 और ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया 2675। तो इसमें से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना। आप इजी वे से रखा करो, देखो था 2000 सही है आपका, 100 वाले डिजिट सही है, दोनों इक्वल है ना, ये 10 प्लेस वाले 7 है, इसमें 4 है, देन ये बड़ी हो गई। इधर से आप 1000 से है तो 1000 से, लेग से है तो लेग से, उल्टे क्रम में देख लिया करो, जो डिजिट बड़ी होगी 1000 वाले बड़ी होगी, वो डिजिट बड़ी होगी, लेग वाली होगी तो वो बड़ी होगी। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हो। यूज द गिवन डिजिट टू मैक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने, देखो मैं बनाऊं 4507, ध्यान रखोगे। ग्रेटेस्ट नंबर जब मैंने आपको बताए थे तो ग्रेटेस्ट नंबर में मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट जैसे 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बताई, मैंने क्या बताया 5×9 लिखना था। स्मॉलेस्ट नंबर बताया तो मैंने क्या बताया आपको, स्मॉलेस्ट नंबर में मैंने आपको बताया कि 1 लिख दो बाकी 0 लिख दो। अब आपको क्या बनाना है, इसमें स्मॉलेस्ट बनाना है और ग्रेटेस्ट बनाना है। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट अपन दोनों बना देते हैं, देखो इसकी तो इस पहले क्या बनाए अपने, इसकी पहले अपन बना देते हैं इसकी स्मॉलेस्ट नंबर बना देते हैं, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में क्या लिखोगे आप, नंबर जो डिजिट है उनको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और उसमें किसमें लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 0 पहले नहीं लिखना अपने को, 4507 0 पहले नहीं लिखना है इसको, ये ध्यान रखोगे, वरना तो 0 पहले लगा दोगे तो 457 ही आ जाएगा। बात करूं मैं ग्रेटेस्ट नंबर की तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या लिख दूं, लिखो 754 और 0। स्मॉलेस्ट तो क्या लिख दोगे,
4057 और ग्रेटेस्ट क्या जाएगा 7540। ऐसे एक नंबर और देख लो आप इसमें से, एक क्वेश्चन और देखोगे तो देखो क्या लिखोगे इसमें है, लास्ट वन देख लो आप चाहे 1357 सिंपल सा है 1357। इसमें तो दिक्कत ही नहीं है आपके, स्मॉलेस्ट तो कितना आ गया 1357 और ग्रेटेस्ट आ जाएगा 7531 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसको आप कर लोगे। एक बात केवल ये बात ध्यान में रखनी है आपको, जो जीरो आए उसको पहले नहीं लिखना है, सेकंड या थर्ड डिजिट में अपन लिख दोगे इसको, है ना, इसको अपन ये ध्यान रखोगे जीरो वाला। फिर है मैक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। अब इनको क्या बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट लिखना जैसे 057 है, एक क्वेश्चन है देखो ध्यान से देखना इसको। अब इसका अपने को क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइव मैंने क्या बताया जीरो बाद में लिखोगे 1 2 3 4 और 5, ये तो क्या जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट बनाना, ये थ्री डिजिट है अपने को बनाना क्या है, फाइव डिजिट नंबर बनाना है। ये तो क्या दे रखा अपने को, थ्री डिजिट ही दे रखे लेकिन बनाने कितने हैं, फाइव डिजिट बनाने। तो आप बीच में जीरो लिखोगे न कि पहले लिख दोगे तब नहीं बनेगा। और दूसरा अपने को इसमें से क्या बनाना है, अपने को ग्रेटेस्ट बनाना है। तो जो लार्जेस्ट डिजिट है, लार्जेस्ट डिजिट जो अपने को दे रखी है ग्रेटेस्ट बनाओगे, तो ये जो लार्जेस्ट डिजिट है इसको लिख लो थ्री टाइम 1 2 3। और अब क्या लिखोगे आपका, क्या बच गया 5 4 0, क्या बच गया 5 4 0 बच गया बस, ठीक है, दिया जाएगा 5 4 0। नॉर्मली तो अपन क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में तो असेंडिंग ऑर्डर काम में लेना है, असेंडिंग ऑर्डर काम में लेना है, और ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर काम में लेना है। लेकिन काम कब लेना है, एक तो ये जीरोज वाला समस्या है, जीरोज को अपन पहले नहीं लिखेंगे, बस असेंडिंग ऑर्डर में ये ध्यान रखोगे। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1B, इसमें यही करना आपको, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मूल रूप से यही बात है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।